देखो पहले देखते हैं हम लोग सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल लिखो, हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। उस सर्कल कैसा है, ये सारे वर्टाइसेस को क्या करता है, कवर करता है। तो इससे नाम दिया हमने सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब सर्कल विच कवर्स द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ऑल वर्टाइसेस। इसका एक सेंटर है सी, सर्कल का सेंटर होता है ये सेंटर सी। अब आप ये जितने भी है देखो, ये ट्रायंगल ए बी सी बन गया, तो ए बी बी सी ए सी क्या है, सारी कॉर्ड्स कॉर्ड्स है ना सर्कल। और आपको एक थ्योरम पता है कि सेंटर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड्स के ऊपर, तो ये बाइसेक्ट करता है। आपने सीखा है टेंथ में। तो जैसे अभी मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी एम सी एन, या फिर इधर एक ड्रॉ कर दिया सी क्यू। तो सी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम इज कॉन्ग्रुएंट विथ एम सी एंड सो ऑन। तो आपको अभी आपको ये हो गया सर्कम सेंटर, दूसरा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल एबीसी, हम लोग इस पॉइंट इस वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं ये बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ हाइट ऑफ द ट्रायंगल। हाइट आपको अलग अलग वैसे मिल सकती, ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है, ये सारी क्या है परपेंडिकुलर से हाइट हाइट ऑफ दैट। तो यहां जो हम मीट हो रहे हैं एच दैट इज अ ऑर्थोसेंटर। फिर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जैसे, तो आप क्या कर सकते, दिस हाइट इनटू बेस, ऐसे अलग अलग वे से आप निकाल सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दूसरे वे से देखें तो व्हाट इज एच, ये ट्रायंगल है यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर जहां मीट हो रहे हैं, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, हाइट है वो, दैट इज व्हाट ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो अभी आपको सम क्या है, ये वो ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, मान लो ये माइनस टू थ्री फोर थ्री, ठीक है। अब ये सेंटर, ये सर्कम सेंटर है सी, यहां से यहां पर पेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, यहां से आप ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सी एम है और ये सी क्यू है मान लो, तो एम क्या है मिड पॉइंट, क्यू क्या है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। तो इसके इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमको, इसके भी मिल जाएंगे, कैसे, सिक्स प्लस फोर अपॉन टू फाइव वन, इसके क्या आ रहे फोर माइनस टू अपॉन टू वन जीरो, ठीक है। अब आ गया एम और क्यू तो आ गए, अब स्लोप ऑफ बी सी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन, तो स्लोप ऑफ बी सी मिल गया, तो स्लोप ऑफ एम सी मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी। सिमिलरली स्लोप ऑफ सी क्यू भी मिल जाएगा, कैसे, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है ना। अब सी क्यू का स्लोप है, देखो अभी सी एम इक्वेशन ऑफ लाइन सी एम मिल जाएगा, कैसे, पॉइंट एम है और स्लोप पॉइंट फॉर्म, कौन से फॉर्म से,
स्लोप पॉइंट पर, और वैसे ही इक्वेशन ऑफ सी क्यू मिल जाएगा, वही स्लोप पॉइंट फॉर्म से। अब दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, कॉमन पॉइंट सी मिल जाएगा, सब वही स्टेप्स है, ठीक है। पहले जैसे अभी स्लोप ऑफ एसी क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ एसी जीरो आ रहा है, राइट। स्लोप ऑफ एसी जीरो मतलब एसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और फिर सी क्यू विल बी व्हाट, सी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिकॉज सी क्यू इज परपेंडिकुलर है। तो फिर इक्वेशन ऑफ सी क्यू विल बी सिंपली y पैरेलल टू y एक्सिस होती है कोई लाइन अगर, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, तो उसका इक्वेशन आएगा x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट, 1, क्योंकि ये पॉइंट है ना उसके ऊपर, तो दैट इज सिंपली x इज इक्वल टू 1 आ गया ना। हमें इक्वेशन चाहिए, स्लोप क्यों ढूंढ रहे थे, इक्वेशन के लिए ढूंढ रहे थे। अगर स्लोप इंफिनिटी है, देखो तो सी क्यू का पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब स्लोप क्या आएगा, 1/0 इन्फिनिटी आएगा, स्लोप भूल जाओ, डायरेक्ट इक्वेशन पे आ जाओ ना, समझ में आ रही है। सुनो, ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, ए क्या है 3, -2, बी क्या है 7, 6, और सी क्या है -1। अभी अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, अल्टीट्यूड मान लो AD और DE, ठीक है, अल्टीट्यूड। अब आपको ये पॉइंट मिल जाए ना, बस यही चाहिए ना आपको, H ऑर्थो सेंटर वही होता है, कोई भी दो अल्टीट्यूड से आपका काम बन सकता है, तीसरी की जरूरत नहीं। क्या करूं, बीस स्लोप ऑफ BC मिल जाए, स्लोप ऑफ BC तो मिल जाएगा ना, y2 माइनस स्लोप ऑफ AD कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ AD इज -1/ स्लोप ऑफ BC, सही है, क्यों, परपेंडिकुलर। फिर सिमिलरली स्लोप ऑफ AC मिल जाएगा y2 - y1/x2, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ BE मिल जाएगा कैसे, -1/ स्लोप ऑफ AC, दोनों स्लोप मिल गए। अब देखो AD का इक्वेशन मिल सकता है, पॉइंट A है ना उसमें, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म में A पॉइंट यूज कर लो, स्लोप तो है आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ AD मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ AD मिल गया, पॉइंट A यूज कर लो, है ना, ऑलरेडी है ना A। सिमिलरली स्लोप पॉइंट फॉर्म से किसका इक्वेशन मिल जाएगा, पॉइंट E, सॉरी पॉइंट B है आपके पास, पॉइंट बी यूज कर लो, बी यूज कर लिया, फिर इक्वेशन ऑफ बी मिल जाएगा, तो इक्वेशन आ गए। अब ये पॉइंट जाए ना एच, कॉमन पॉइंट है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, आपको एच मिल गया, ऑर्थो सेंटर मिल गया, समझे। सिर्फ स्लोप से इक्वेशन नहीं कर सकते, सिर्फ स्लोप से, स्लोप से, हाँ। अरे भाई क्या बात कर रहे थे, अब ये लाइंस देखो सबके स्लोप सेम है, एक दूसरे को पैरेलल है, सबके स्लोप सेम है, क्या इन सब का इक्वेशन सेम होगा, फार्मूला है उन्हें, स्लोप यू कैन नॉट यूनिकली डिटरमाइन, यू विल गेट अ फैमिली ऑफ लाइंस, इफ यू नो द स्लोप यू विल गेट व्हाट, फैमिली ऑफ लाइंस, यू विल नॉट गेट इंडिविजुअल लाइन, फॉर इंडिविजुअल लाइन यू नीड एटलीस्ट 1 पॉइंट एंड स्लोप, और एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, दिस आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, सो यू कैन नॉट गेट अ इक्वेशन ऑफ लाइन ओनली यूजिंग स्लोप। Yes, what will you get? You will get a family of parallel lines. Clear है ना यार? अभी तक जिंदगी में मैंने तो नहीं निकाला। क्यों नहीं बंदे? सिर्फ ना? क्यों नहीं? तो इसका slope जो है ना, इसको parallel line के भी slope वही रहेंगे ना? हाँ तो रहेंगे। तो फिर एक line कैसे बोल सकता? सिर्फ slope से line थोड़ी ना मिले, point भी चाहिए। देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, देखो अभी एक लाइन है एल,
मान लो इसका इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ठीक है, a1x plus b1y plus c1 is equal to, या फिर ax plus by plus c is, हमने रेगुलर फॉर्म, ये एक पॉइंट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 कॉमा y, हमें इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए, कौन सा मिनिमम, मतलब वो परपेंडिकुलर, ओके, तो फॉर्मूला इज डिस्टेंस d, दिस d इज मॉड, मॉड इसलिए है कि पॉजिटिव नेगेटिव a1 a a x1 देखो x1 plus b y1 plus c, समझ रहे हो, ये वैल्यू यहां पुट कर a square plus b square और अंडर रूट ऑफ a square plus b, ये फॉर्म, यहां हम डेरिवेशन कल देखेंगे, मान लो ये पॉइंट p x1 y1 अगर ओरिजिन ही है, ओरिजिन 0 0 मतलब 0 0 है, तो क्या फॉर्म, मॉड c अपॉन अंडर रूट a, यस ये 0 आ जाएगा, मॉड c अपॉन अंडर रूट ऑफ a2, ये दो फॉर्मूले पहले आप लिख लो, अगर ये ओरिजिन है तो ये कोई भी जनरल पॉइंट है, इसके सम कर लो, राइट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मान लो ये दो लाइंस एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, L1 और L2 पैरेलल है, स्लोप्स क्या होंगे, सेम, मतलब a x plus b y plus c1 is, मैं c1 को ही चेंज कर रहा हूँ, दूसरी वाली क्या है, a x plus b y plus c2 is, बस इतना ही चेंज होगा, तो इनके बीच का जो पर, देखो डिस्टेंस ऐसे है ना, ये डिस्टेंस है रेलवे के ट्रैक जैसा, ये एक ट्रैक है, दूसरा ट्रैक, ये ना बीच में का जो डाला है वो तो परपेंडिकुलर रहना चाहिए, तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा d is equal to mod c1 minus c2 upon under root of a square plus b square, right on the formula.